हेलो, गुड आफ्टरनून, दिस इज़ डायरी श्रेया। मदर्स डे आने वाला है, संडे को है, आपको पता था? नहीं पता? 8 मई को मदर्स डे है और जो इस बार की थीम है वो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी। मदर्स के लिए अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मदर्स डे पे सभी मदर्स को, चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे वो ग्रैंड मदर्स हो, चाहे वो स्टेप मदर्स हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या नॉन बायोलॉजिकल हो, या बेबीज इफ़ दे आर इन हैवन, और जिन मदर्स ने अभी स्टेप रखा है टुवर्ड्स द मदरहुड, अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या फिर वो माँ जो दिल से सिर्फ एक माँ है किसी के लिए भी, ममता से भरी हुई, उन सब लेडीज़ को, औरतों को, विमेन को, गर्ल्स को मेरी तरफ से ममता भरा, प्यार भरा हैप्पी मदर्स डे। सो आज का जो लाइव सेशन है वो मदर्स के ऊपर ही है। कुछ अनाउंस करना है मुझे, तो आप लोग एक बार फटाफट से लाइव इन आ जाइए। ओके, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, हैशटैग डायरीशन श्रेया, अगर आपकी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, हैशटैग डायरीशन श्रेया सिर्फ लिख के भेजिए, मुझे पता चल जाएगा आपको मेरी आवाज़ आ रही है। हैशटैग डायरीशन श्रेया, DIETITIAN डायरीशन श्रेया। ओके, मदर्स डे 8 मई को है और जैसे हम हमेशा की तरह कुछ ना कुछ करते हैं अवेयरनेस के लिए, हम लोग आहारिका NGO के अंडर भी बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आपको उसकी अपडेट मिलती रहेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी एक एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं फादर्स डे के जैसे ही, हम लोग मदर्स डे पे भी लाइव होने वाले हैं। सैटरडे एक महा लाइव कॉन्टेस्ट है मदर्स डे पर, और जो विनर्स होंगे उनको मूवी टिकट्स भी मिलेंगी और बहुत सारे और भी प्राइजेस हैं। मदर को डेट पे लेके जाने का एक चांस है, कपल मूवी टिकट्स मिलेंगी। आपको क्या करना है, पहले आवाज़ आ रही है आपको मेरी? राइट, हैशटैग डायरेक्शन श्रेया। ओके, राइट। सो मदर्स डे 8 मई को है और हमारा जो कॉन्टेस्ट है वो 7 मई को स्टार्ट है, मतलब उस दिन है। आप अपनी एंट्रीज आज से ही भेजना शुरू कर सकते हैं, इनबॉक्स कीजिए फेसबुक या आप यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप हमें हैशटैग मदर्स डे लिख के भेज दीजिए, हैशटैग डायरेक्शन श्रेया। आप जैसे ही लिख के भेजेंगे यानी कि आपकी एंट्री हम लोग कंसिडर कर लेंगे और आप हमारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, सो हम लोग आपको एग्जाम्पल देते हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। ओके, सो हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम क्या बात करने वाले हैं, आपको कॉन्टेस्ट में क्या करना है, हिंट देते हैं, ठीक है? जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरे मदर मुझे क्या टोटका देते थे, तो ये जो कॉन्टेस्ट है ये आपकी माँ आपको क्या टोटका से ठीक करती हैं, वो हेल्थ का हो सकता है, डाइट का हो सकता है, कोई भी टोटका हो सकता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब मैं कॉलेज में थी पीरियड के डेज में क्रैम्पिंग होती थी और इतना एक्सट्रीम पेन होता था, तो मेरी मम्मा हमेशा ही एक थोड़ा सा, जैसे देसी घी बिल्कुल थोड़ा सा, एक दो बूंदे, और उसमें हल्दी, बादाम, काली मिर्ची और ऐसा सब कुछ, बहुत सारी गर्म चीज़ें होती थी, उनको भून के और फिर उसमें मुझे बादाम का दूध डालकर देती होती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिलता था। जब मेरा दूध पीने का मन नहीं होता था वो हल्दी वाली चाय मुझे बना के देती थी, ये वाला एक नंबर वन टोटका। दादी, जिसको दादी भी एक माँ है, हाँ, सो दादी मेरी मुझे देती थी जौ का सत्तू या जो बूरा होता है ना, चीनी बूरा, उसमें घी मलाई वगैरह मिला के वो अपने हाथों से खिलाती थी। हम लोग जब भी एग्ज़ाम देने जाते थे तो हमें दही और दही चीनी खिलाती थी, हाँ, मेरी मम्मा। और टोटका क्या बताऊँ मैं आपको, मैं याद करती हूँ और कुछ, हाँ, मेरे मम्मा जब भी हमें कॉफ होता था या कोल्ड होता था जुशांदा बना के पिलाती थी। अभी तो जुशांदा के पैकेट्स आते हैं रेडीमेड, पर पहले मेरी मम्मा खुद ही सारे जुशांदा के हर्ब्स इकट्ठा करती थी, हाँ, और प्यार करती हैं, मतलब मेरी दादी तो मुझे हीलिंग करती होती थी, उनको पता नहीं कहाँ से, वो तो एक ऐसी महापुरुष जैसे कहते ना, वैसी महालेडी, उनको रेकी रेकी सब आता था बिना किए हुए, तो वो अपने एनर्जीज मुझे देती होती थी जब भी हम लोग बीमार होते थे, दांत दर्द ठीक कर देती थी मेरी दादी ऐसे। और ऐसे ऐसे टोटके हम लोग और लोगों से भी पूछते हैं, ठीक है? हाई अल्पना, आई वुड टेक योर 5 or 10 मिनट्स, राइट? ओके, बताइए आपको आपके मम्मा के क्या टोटके याद हैं?
जो मेरी मम्मा के साथ बेस्ट मेमोरी है, आई रिमेम्बर जब हम लोग बहुत उल्टे सीधे पोज में सो जाते हैं एंड किड्स हम लोगों को कोई पर्टिकुलर पोज नहीं होता, कभी गर्दन इधर होती थी या उधर होती थी, टू गेट पेन अराउंड द नेक, और इतना सीवियर पेन होता है कि वो 3-4 डेज तक परसिस्ट कर रहा था। तो मेरी मम्मा उसको 2 सेकंड में कैसे ठीक करते थे, धूप में मिटाते थे 5 मिनट के लिए कि पीठ सुबह सुबह धूप में बैठ जाओ 5-10 मिनट्स के लिए, एंड देन वो एक नर्व को प्रेस करके हल्का सा सिर्फ आपके एक फिंगर को ऐसे ट्विस्ट करते थे हल्का सा, पेन सिर्फ 2 सेकंड्स में गायब हो जाता था। वाओ, एंड आई एम लिटिल ब्लेस्ड स्टिल, तो ऐसा होता है कि हमें जब यहाँ पे वो पेन्स है तो मेरे को सबसे ज्यादा मम्मा की याद आती थी कि हाय मम्मा आ जाओ बस 2 सेकंड वो पेन ठीक कर दो। एक तो माँ के हाथों में वैसी जादू होता है, गर्माहट होती है, ऊपर से सूरज की गर्माहट है ना, वो सब चीजें लेना भी भूल गए हैं एक्चुअली ना, जैसे अगर ना हम लोग बात करते हैं, आप यहाँ पर कीजिए हमारे घर, और एक्चुअली पता है क्या, पुराने लोगों को साइंस नहीं मालूम थी लेकिन फिर भी उनका मैजिक साइंटिफिक होता है हमेशा। जैसे अभी इन्होंने बताया कि इनके मामा क्या करते थे, जब सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो उनके मामा धूप में बिठाती थी और ऐसे प्रेस करती थी, और बेसिकली जो मसल्स या फिर आपके नर्व्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते थे, जो कंप्रेस हो जाते थे, उनको डीकम्प्रेस करते थे, और वो सनलाइट में यानी कि ब्लड थिन हो गया, ऑक्सीजन ज़्यादा मिल गया। सो ग्रेट, मतलब आपके मामा एक कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर से कम नहीं है। एंड मुझे अच्छे से याद है कि जब वो पेन ऐसा ज़्यादा होता था, अभी जैसे हम यूरिनरी योगा की बात करें तो वी आर एग्जैक्टली डूइंग द सेम थिंग्स, एंड हम लोगों को कहते हैं कि 15-20 मिनट्स धूप में बैठो, पर वो कभी पेन शाम को होता था ना, मम्मा कहती थी कि मम्मा ठीक कर दो आपके हाथ में तो मैजिक है, मम्मा कहते थे नहीं सुबह ही होगा जब तुम धूप में बैठोगी। बहुत ही अच्छा, ये तो मतलब आप लोगों को भी टिप मिल गया यहाँ पर बात करते करते। अल्पना की मम्मा जो हिमाचल में है इस टाइम, अल्पना की मम्मा जो कि हिमाचल में है इस टाइम, उनको ये सबने टिप दे दिया, मतलब सबको टिप दे दिया आपने, ठीक है, ग्रेट। अल्पना और कोई टिप याद है आपको? मेरे को मेरी नानी का ये टिप बहुत अच्छे से याद है, जब भी फीवर होता था या कफ कोल्ड होता था वो मुझे कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेने देती थी। अच्छा। तो वो एक काढ़ा बनाती थी जिसमें वो छुआरे डेट्स उबालती थी, काली मग जिसको कहते हैं वो हीट करती होती थी, इलायची डालती होती थी, काली मिर्ची का पाउडर एंड बाकी से आधे से ज्यादा हर्ब्स का नाम मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि वो बहुत कुछ डालती थी उसमें। स्पेसिफिकली मुझे इतना याद है जो उसमें काली मग होती थी एंड सौंठ का पाउडर, वो इतना मैजिक वर्क करता था कि मेरा कोल्ड मतलब 3-4 डेज में, क्योंकि उतना टाइम फ्लू को डेवलप होने में इंक्यूबेशन में लगता था, तो वो 3 डेज में मुझे उस काढ़े से ठीक कर देती थी। अनडाउटेडली जो सौंठ हम बोलते हैं बेसिकली वो आपका ड्राई जिंजर है, और जिंजर तो वैसे ही एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सो पता नहीं इन लोगों को कैसे पता चल जाता था कि ये जिंजर सौंठ एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो टर्मरिक है वो एंटीसेप्टिक है। तो सच्ची में पुराने लोग तो हैट्स ऑफ, मतलब बिना पढ़े, हम लोगों ने तो न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स करके इतना नॉलेज लिया है लेकिन उन लोगों को तो बिना पढ़े सब कुछ मालूम है ना, ग्रेट। अच्छा, और आपको मैं बता दूँ, अल्पना is expecting a baby very soon. So, Alpna se hum wo bhi poochenge, Alpna, you gonna be a beautiful mother, very caring mother. So, aapka ye Mother's Day, आप कुछ स्पेशल फील कर रहे हो इस टाइम? जैसे अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा कि मेरे मम्मा मेरे लिए क्या करते थे, तो आई एम लाइक आई रियली वांट कि मैं आगे आने वाले बेबी के लिए क्या 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 करूँगी, एंड रियली डेफिनेटली दिस मदर्स डे इज वेरी स्पेशल फॉर मी, आई एम गेटिंग ऑल दोस गूज़बम्प्स एंड रियली एक्साइटेड फॉर इट। यू गोना बी अ बेस्ट मदर, और आप लोगों को बता दूँ टफ मदर्स आर ऑलवेज द बेस्ट मदर, राइट। सो भाई अगर आपकी मामा भी टफ है सो उनको ज़्यादा प्यार करो, ज़्यादा रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उन्हीं ने आपको बनाया है, राइट। हाय मृणाल, हेलो मृणाल, अच्छा कोई प्रॉब्लम है क्या आवाज़? ठीक है मृणाल, हम लोग मदर्स डे पे, जो हम लोग अभी 8 मई को है अदरवाइज, पर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, 7th को। सो हम लोग जो कॉन्टेस्ट है बेसिकली वो ये है कि इन सबको, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन्होंने अपनी एंट्रीज हमें भेजनी है #dietitianshreya #mothersTotka, ठीक है, या माँ का टोटका, कैसे हम इसको क्या #tag करवा दें? टोटका, माँ का टोटका, ठीक है। सो ओके सर, ठीक है, माँ का टोटका, ठीक है। सो माँ का टोटका, T
TODKA, जैसे हम भी लेकर आते हैं हर मंगलवार को, हर ट्यूसडे को टोटका, वैसे ही आपने अपनी माँ का टोटका हम लोगों को बताना है. कॉन्टेस्ट है, 7th को लाइव करेंगे हम लोग फेसबुक पर. बहुत 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 सारे इसमें आगे मतलब एपिसोड्स रहेंगे, राउंड्स होंगे. पर मृणाल, मैं तुम्हें पूछ रही हूँ कि आप इनको एग्जाम्पल दो कि आपके मम्मा आपको क्या याद है कि कौन सा टोटका देते थे. When I was in my school, तो मुझे पीरियड्स की बहुत पेन होती थी एंड माई मम्मा यूज़ टू गिव मी काढ़ा, जिसमें एक कप पानी में अजवाइन, मुनक्का एंड किशमिश डाल के वो बॉयल करते थे एंड उससे पेन 5 मिनट्स में गायब हो जाता था. मतलब वो बहुत हेल्पफुल होता था इन पीरियड्स क्रैम्प्स. तो अभी क्या करते हो जब अभी पीरियड्स क्रैम्प होते हैं? मम्मा को मिस. अल्पना, चलो हम लोग अब ये यहाँ पे एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं. हम लोग एक दूसरे के लिए वही टोटका बनाएंगे जो हमारी मम्मा बनाती होती थी. डन? ठीक है. सो अब अजवाइन, मुनक्का एंड किशमिश ला के रख लेते हैं. ठीक है. मतलब जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, बहुत उछल कूद करते हैं ना और चोटे खाते रहते हैं, कभी स्टेयर से गिरे कभी वहीं से, तो ऐसे ही मेरे बचपन में मतलब काफ़ी बार ना ज़्यादातर मेरे घुटनों पे ही चोट लगती थी, तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती थी. तो मेरे दादी क्या करते थे, जो गेहूं की रोटी होती है उसको थोड़ा सा वो ना तवे पे कच्चा सा बनाते थे एक साइड से, उस पर सरसों का ऑयल लगा के और हल्दी लगा के, तो वो रात को वो कच्ची सी रोटी घुटने पे बांध देते थे और सुबह तक जो स्वेलिंग होती थी ना वो ठीक हो जाती थी. मतलब काफ़ी पेन में, काफ़ी इन्फ्लेमेशन जो भी होती थी उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता था. क्या बात है, वेरी गुड. अल्पना, इसमें भी कोई साइंस ही है कि गेहूं का आटा उसमें ग्लूटेन है. ठीक है. और डेफिनेटली फिर वो भी आपके पेन को ख़त्म करता होगा, और उसमें हल्दी लगाई वो आपकी स्वेलिंग को ख़त्म कर देता है, और मस्टर्ड ऑयल. हाँ, थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको तवे पे सेक के, थोड़ा एक साइड से वो कच्ची रहती है, कच्ची रहती है, हल्दी लगा. मतलब क्या ही तो हमारे ऑर्थोपेडिशियंस और क्या करेंगे माँ के सामने, जब माँ का ममता भरा दिल और हाथ एक बच्चे के पेन को देख के बस उसके अंदर से यही निकलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे अपने बच्चे को ठीक करना है. तो एक कच्ची गेहूं की रोटी से भी माँ अपने बच्चे की चोट को ठीक कर लेती है. हाँ, सो ये सिर्फ पुराने ज़माने की बात नहीं है, आजकल की भी माएँ, जैसे अगर आप मेरी बात करेंगे, मेरे पास भी बहुत सारे टोटके हैं. हाँ, मेरे पास क्या है, जब शौर्य को अगर पैरों में दर्द होता है, मैं पॉपी सीड ऑयल को हाथों में रब करके उसके पैरों में लगाती हूँ. और जब सादगी को कुछ भी ऐसा पेन होता है तो मैं रेकी करती हूँ उसके ऊपर. और मैं आज भी ऐसे टोटका मानती हूँ, आप सच्ची मेरी बात मानिए, जब उनको फीवर होता है, डेढ़ पत्ता तुलसी का, ये मेरा टोटका है अल्पना. सो दो भी नहीं, ढाई भी नहीं, सिर्फ डेढ़ पत्ता तुलसी का एक कप पानी में बॉईल करके मैं बच्चों को देती हूँ और फीवर एकदम से उतर जाता है. सो ये ऐसे ऐसे टोटकाज हमारे पास बहुत ही हैं. सो अब आपने कॉन्टेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट करना है, 7th को हम लोग लाइव कॉन्टेस्ट में आपको एंट्री देंगे. आपको भी से भी अपनी एंट्रीज आप भेज सकते हैं, नंबर है 9998111000, 9998111000 ये नंबर है. अगर आपको ये नंबर रीचेबल नहीं होता है तो पक्षम एक अपना नंबर दो. 9646949479. ठीक है, हम लोग अभी आपको इनबॉक्स भी कर देंगे कौन से नंबर्स पे आप अपने एंट्रीज भेजिए, डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी, अब से हम लोग अपडेट करना स्टार्ट कर देंगे. सो मदर्स डे पे एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, हम लोग वेबिनार भी करेंगे डाइट फॉर मदर्स. सो वो वेबिनार की फीस सिर्फ 800 रुपीज़ होगी. कब है, कैसे है, वो पता चल जाएगा. हमारे मदर्स डे के ऑफर्स भी डाइट प्लान पे स्टार्ट हो गए हैं, बाय वन गेट वन. आप अपने लिए डाइट प्लान लीजिए, मदर के लिए फ्री, मदर लेंगी तो बेटे के लिए फ्री या फिर बेटी के लिए फ्री. सो बाय वन गेट वन. सो ऐसे बहुत सारी अपडेट्स अब आपके चैनल्स पर चलनी शुरू हो जाएंगी, देखते रहिएगा, स्टे ट्यून्ड. बाय बाय, टेक केयर.